ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रवहमान परंपराद्य अध्यात्म का अमय जो सबको पिलाए धारो इन्हें हृदय में अग को नशाए। बोले बड़े बाबा की जय, चौबीसों भगवान की जय। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की, बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की, बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, नूतन आचार्य समय सागर जी महाराज की। हाँ सुनिए, समय का अभाव है, यहाँ पर घड़ी रखाने गया है और बोलते जा रहे हैं, शाम हो जाएगी तो गड़बड़ होगा। मुझे तो ख्याल है समय को ध्यान है। मैं आपके सामने मंगलाचरण किया, महान आचार्य जो पांच हुए उन आचार्य महाराज के इस पंक्ति में इन प्रहोमान आचार्यों के द्वारा जो चली आ रही है आचार्य परंपरा, उसमें मुझे दीक्षा लेने का, निग्रंथ दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। ये बहुत बड़ी सौभाग्य का कलिकाल में बहुत मेरा कठिन है। साथ साथ मुझे ये भी मुझे याद है आचार्य ज्ञान सागर जी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनके मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिला। 2 साल लगातार सुना, उसके बाद तीसरे साल तो जब आया आचार्य विद्यासागर के सागर में लीन हो गया। मैं आज आपको बात ये कहना चाह रहा हूँ, आज से 52 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी को आचार्य पद से विभूषित किया। तब उन्होंने ज्ञान सागर ने क्या कहा, ये वाणी मैंने सुनी पड़ी है। आचार्य ज्ञान सागर ने कहा, यह मेरा शरीर दिनों दिन गिरता जा रहा है, अस्वस्थ होता जा रहा है, इसलिए मैं इस पद को त्याग करके पूर्ण रूप से आत्म कल्याण में लगना चाहता हूँ। इसलिए इस देखिए आचार्य विद्यासागर जी उस वक्त 27 साल के उम्र वाले थे। बताओ कितनी अल्प उम्र में, तो उन्होंने इस महाभार को अंगीकार किया। देखिए उन्होंने केवल गुरु का सानिध्य 5 साल प्राप्त किया, तो इतना 56 साल तक इन्होंने ऐसी धर्म प्रभावना, ऐसी धर्म वर्षा करी जो आज यह रतन बाहर आ गए, देखनी बात है। तो उस वक्त आचार्य विद्यासागर ने क्या कहा था, उस बात को आपको अवगत कराना चाहता हूं। उस वक्त ये कहा, मैं इस पद के लायक ही हूँ, मुझमें यह कोई योग्यता ही है, यह लोकेशन के लिए नहीं, ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं, इसकी मैं चाहती न है न रहेगी, फिर भी यह पद को सुनने की बात है, ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा इस पद को कर्म का फल मान करके स्वीकार कर रहा हूँ। बताइए क्या बात है, हर व्यक्ति आज जो है आपद है ऐसा एक जगह लिखा, लेकिन ये पद जो है क्या है, यह
मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आचार्य पद दिया जाता है। आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में कई प्रकार के आचार्य हैं, उनमें से कौन से आचार्य पद को आप विभूषित करना चाहते हैं? विभूषित हुए थे आचार्य विद्यासागर जी, सिद्धांताचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, दर्शनाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य। इन आचारों में और भी आचार होंगे, फिर ये कौन से आचार होंगे? आचार्य विद्यासागर कौन थे ये मालूम नहीं आप लोगों को? ये आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कौन से आचार थे। ये जो हमने आचार की जो गिनती लगाई, इनमें से कोई भी आचार पूजनी नहीं है। ये जो है मोक्ष मार्ग के प्रशस्तक हो ही न सकते, फिर कौन हो सकते हैं? कौन से आचार्य होते हैं? तो यही है कि चारित्राचार्य, जो मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करने वाला, भव्य जीवों को तारने वाला, वह है आचार्य। वो आचार्य की परिभाषा भी देखिए, जह जीवा जीव स्वयं पै पये अपये जीवो जीव समा अप आईरिया अपम परम च दीवई। प्राकृत में आचार्य महाराज की परिभाषा बताया है, जैसे दीपक होता है, वह दीपक एक दीपक के द्वारा अनेकों दीपक जल जाते हैं और अंधकार को नाश करते हैं, इसी प्रकार आचार्य दीपक की भांति होते हैं। और ऐसे हम लोगों को दीपक एक हाइको है, बुझे हुए दीपों को दीपायन किया, उन्हें वे जयवंत हो। तो क्या अर्थ हुआ? हम लोग बुझे हुए दीपक थे, उन्होंने जला दिया और हमें अवगत कराया तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या, ये ज्ञात कराया है। ते ऐसे आचार्य जो कि हमें मिले, और आप लोगों का सौभाग्य है अभी अभी वे समाधिस्थ हुए। देखिए, मैं कहाँ था? महाराष्ट्र के किसी कोने में था, कम से कम भी 600 साल ऊपर ही था, लेकिन आचार्य महाराज का पुण्य ने मुझे खींचा, तो 16 जनवरी से लेकर के फरवरी 3 को मैं पहुंच चुका। 18 दिनों में मैं पहुंच गया, और सौभाग्य था उन्होंने जो जीवन भर जो मुनि पद अपना करके, आचार्य पद अपना करके साधना की, और उनने समाध रूपी कलश चढ़ाया, उस कलशारोहण में मुझे साथ रहने का सौभाग्य मिला। 15 दिन रहा और ऐसी मुझे शक्ति मिली, वह तो बखान नहीं कर सकते। अब तो मैं ऐसा शक्तिशाली बन गया, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं, बस मैं आपके आशीर्वाद से जो आपने पद प्राप्त किया है समाधि को प्राप्त कर लेके रहूंगा, ये शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। अब आपको मुझे कोई विकल्प नहीं, लेकिन मुझे क्या बताया उस बात को मैं एक बार आपके सामने दोहराता हूं, समझिए क्या कहा। कई लोगों को विकल्प है आदि आदि, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। यदि आपने आचार्य विद्यासागर जी की, यदि आप अनन्य भक्त हैं, भक्त हो, उनकी वंदना स्तुति करते हो, तो इस वाणी पर आपको भ्रम और अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा बता रहा हूं, जो कि यह विषय चंद्रगिर में बल चुका था, लेकिन कुछ साधु नहीं थे और कुछ साधन नहीं थे, अरिका वर्ग नहीं था,
और भी यहाँ के जो श्रावक हैं उनको भी अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, ये बताया गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 8 फरवरी को चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रम किया आचार्य महाराज श्री जी के साथ, हम सभी मुनिराजों ने किया। फिर 9 फरवरी को दोपहर 2 बजे के करीब आचार्य श्री जी दिल्ली शंका के लिए गए। मैंने उनका कमंडल लेकर रखा था, पीछे से पूज सागर जी और ऋषिम सागर जी और एलक धैर्य सागर जी भी आ गए। आचार्य श्री दीर्घ शंका से वापस आए तब निशिम सागर जी ने शुद्धि कराए और पूज सागर जी और धैर्य सागर जी ने आचार्य श्री की मुख आदि पैर पोंछे। आचार्य श्री काय सुर किया, उसके बाद मेरी ओर देखा तो मैं पास में गया, तब आचार्य श्री बोले, देखो कल हमने आप आचार्य पद का त्याग करके संकल्प किया है और बड़ा प्रतिक्रम किया है, संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारी से अब मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण निवृत्त हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का अब कोई भी विकल्प नहीं है, मेरी संकल्प पूर्व संलेखना चल रही है, आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निर्यापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर मुनिराज समय सागर जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। सुने बस बहुत हो गया, टाइम नहीं है अब। और आप सभी निर्यापक जन अपने संघ को विकसित विस्तार संघ का करना, पल्लवित करना, अर्थात दीक्षा शिक्षा और देकर संघ को विस्तारित करे, धर्म की प्रभावना करो, मेरा आशीर्वाद है। तो यह जो है इतने होने के बाद अब मैं सब जन समुदाय के सामने रखा है, अब इसमें किसी प्रकार का विकल्प होना नहीं चाहिए और इसी विधि के साथ हम लोग आचार्य जी के आशीर्वाद से मोक्ष मार्ग पथ पर निश्चिंत होकर निर्विकल्प होकर अपने को कदम बढ़ाना चाहिए। यदि गड़बड़ी आती है तो मैं इसका जवाबदारी नहीं हूँ। और मैं तो इस विषय में भी और बात कहना चाहता हूँ, सब कुछ अवगत हो जाए, कुछ लोगों को अवगत है और कहना चाहता हूँ, मुझे बीना बारा में पंच कल्याण के दौरान में तब कल्याण के दिन में मुझे निर्यापक पद का उन्होंने दिया, लेकिन मैंने आचार्य श्री को सभा के बीच में बोला मुझे जरूरत नहीं है, इसमें आप एक ही निर्यापक पर्याप्त है। लेकिन क्या कहा आचार्य ने, मुझे मालूम है आप आज अंदर जाओ, काम अपने करो, मैं अपना काम करता हूं। लेकिन मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि मैं क्षुल्लक अवस्था से इस संघ से जुड़ा हूं, मुझे 49 साल हो गए संघ में रहते हुए, और आचार्य महाराज के साथ जो उन्होंने कहा वह कार्य करना मेरा कर्तव्य समझकर किया, कर्ता बनकर के कभी नहीं किया। कर्ता बनने वाला आचार्य के सामने रह नहीं सकता, आचार्य जी का जो यही धर्म होता है कर्तव्य करना, यह धर्म है, कर्तापना संसार है। तो कर्तृत्व बुद्धि को अपना हटा करके कर्तव्यपना अपनाना, यह
जिन धर्म का लक्षण है, हम जिस पथ पर चल रहे हैं कभी भी अपने आप को भूल न जाए, हम ये समझे कि हम कर्तव्य कर रहे कि नहीं कर रहे, हमारा लक्ष्य कहीं का कहीं जा तो नहीं रहा। हमने तो आचार्य जी को, हमारा इतना सौभाग्य था, मेरा हाँ अंत में 15 दिन मिला, मेरे दो जिंदगी में अब ऐसा पुण्यार्जन करने का अवसर अब नहीं आ सकता, ऐसे बढ़ करके अब मुझे कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो निश्चित हो चुका हूं मुझे वही 28 गुण को उनको प्राप्त कर सकता है, और इसको इसमें कमी रखेंगे इसका जवाबदारी मैं नहीं हूं, आप लोग हैं। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं यदि आपको वो विकल्प होता है तो गड़बड़ है, मैं तो आपके घर जा करके हाथ पकड़ के लेके नहीं आया, आपको मैंने 10-10, 20-20 बार आपको आपकी भावनाओं को परखा है, फिर बाद में आपको क्या किया है, दीक्षित किया, दीक्षा लिए दी जानी जाती, पद दी जाती है, दीक्षा ली जाती है, देने की लेने की बात तो क्या है, दीक्षा है, पद लेने की इच्छा गलत है। बात यह है गणधर जैसे पद भी अपने आप प्राप्त होते हैं, प्राप्त किया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। राजवार्तिक में आया है कि गणधर पद कैसा मिलता है, तो उन्होंने कहा उत्कृष्ट ज्ञानावरण का जब क्षोभ उत्पन्न होता है तब गणधर बना करते हैं, ऐसा गणधर नहीं बना करते। तीर्थंकर के लिए 16 कर भावना भाई जाती है, तो ज्ञानावर कर्म का जब उत्कृष्ट उत्कृष्ट जब क्षोभ होता है तो गणधर बनते। श्रुत के लिए और गणधर में बहुत अंतर है, विषयांतर नहीं जा रहा हूं। मैंने आपके सामने आचार्य से के जो भावनाएं विचार आप लोगों के सामने रखा, निर्भीक होके रख रहा हूं, किसी प्रकार की क्या इसमें खोट नहीं है। परसों कहा था ना मोक्ष मार्ग जटिल तो है कुटिल नहीं है, ऐसी बात है। तो आचार्य महाराज ने जो कहा उसको मैं अपने हृदयंगम किया है, और मैं अपनी शक्ति के अनुसार मैं अपने संघ को विस्तार और शिक्षा दीक्षा दे करके मैं चलाऊंगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि उस आचार्य महाराज का आशीर्वाद है, इसलिए इसमें कोई विकल्प करना नहीं चाहे करते हूं तो बात अलग है। ये एक और बात कहना चाहता हूं कि संयमी के बीच में असंयमी में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही आचार्य मार बार बार करते हैं। यदि असंयम के बातों में आता है तो वह कभी भी संयम मार्ग पर चल नहीं सकता। तो आप मैया में कहना चाहता हूं, समय बहुत हो गया होगा, मेरा कहना यही था कि आचार्य महाराज का आशीर्वाद। अब आप लोगों के यह आज अष्टमी है, आज 2 महीने होने जा रहा है आचार्य महाराज को समाधिस्थ होकर के, आज यह नूतन आचार्य बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन वे भी देखिए और विभाजन करता हूँ। देखिए आचार्य ने ये भी कहा था कि खुद उनका संचालन कर रहे हैं आरिका है, और छोटे छोटे महाराज उनका भी वे संचालन करें, और आप अपने अपने संघ को विस्तार के साथ सविस्तर के साथ आप अपने कर्तव्य को अपनाएं, यही कहा। और ऐसे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इस विषय को ज्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप दोहराते रहे कोई बात ले, अब निश्चिंत हो चुका मैं अपने कर्तव्य में लगता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।